भानगढ़ की पुरानी प्राचीन ऐसी थी, रानी रत्नावती थी, और यहाँ के एक तांत्रिक था सिंध्या सेवड़िया, उसकी आज भी छतरी है वहाँ ऊपर। तो वो क्या था, तांत्रिक था विशेष। तो जो ही रानी रत्नावती की मतलब उसको नौकरानी बोलते हैं, वो मार्केट में गई थी, यहाँ मार्केट था बहुत बढ़िया उस ज़माने में, तो वो उसके लिए बालों के लिए तेल लेने गई थी बाजार, उसकी दासी, उसकी दासी दासी गई थी। फिर वो तेल लेके बाजार में से वापस लौट रही थी, जो ही सिंध्या सेवड़िया उसमें तांत्रिक छोड़ दिया तेल के अंदर, अब भाई ये सिर में डालते ही ये रानी अपने आप अपने पास में आ जाएगी, रात वसीभूत हो जाएगी, वसीभूत हो जाएगी। तो रानी रत्नावती भी बहुत तांत्रिक थी, जहाज़ों को सुलझाती थी, बड़े बड़े जहाज फंस जाते थे, वो भी तांत्रिक थी, बहुत बढ़िया पहुँच थी उसकी। तो उसने उस तेल को देखते ही बोले, देखते ही बोल दिया भाई इस तेल की तरफ कौन देखा था। हाँ। तो वो नौकरानी ने बताया, बोले सीधा सेवड़ा ने देखा था। जो सीधा सेवड़ा ने उसके इसमें नजर देखी थी, तो बाद में वो समझ गई रानी, वो भी बहुत तांत्रिक, वो भी तांत्रिक थी, जानती थी। तो जो ही उस तेल को शिला के ऊपर डाल दी उसने, शिला उठ के और सिंध्या सेवड़ा के ऊपर जा गिरी रात को, वो वशीकरण शिला का हो गया शिला। तो वहाँ यह रानी रत्नावती ने छतरी भी बनवाई है वहाँ, और बाद में उन्होंने सिंध्या सेवड़िया ने बोला भाई भगना हो जे, भग जाओ यहाँ से, मरते 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 दिन में उगने के पहले 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 अच्छा जो चले जाएगा बच जाएगा, नहीं तो बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। फिर बाद में पब्लिक रात को पग पग दी जयपुर की तरफ, आमेर की तरफ, सबसे पहले आमेर बसा यहाँ से जाके, फिर आमेर के बाद में जयपुर बसा। ये इसकी छोट में है, वैसी लंबी है इसकी बहुत। जो जो भरोसा करके चलेगा एक बार निकलना है, वो तो जयपुर में जाके तो डेवलप होगा, आमेर में जाके। तो उसके बाद फिर रानी कैसे मरी, मतलब कैसे क्या हुआ? रानी तो कुछ भी नहीं, रानी तो मतलब क्या था कि उसको तो पहले ही उसको मालूम था तांत्रिक की, वो तो पहले निकल ली, वो तो पहले निकल ली थी रानी तो। अच्छा। और पब्लिक को भी काफी निकाल दी थी, पर जो हिम्मत करके रुक गए ना, अगर ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बकवास है, गए सब, सब मर गए वो अंदर। तो उसके बाद जो अभी आजकल स्टोरी सुनाई जाती है यहाँ पे थोड़ा बहुत भूतों का वो है, अभी हम जब गए थे तो हमने कोने पे एक दुकान पे लिखा हुआ देखा था कि भूतों की नगरी, तो वो कैसे हुआ, वो कैसे क्या था? भूतों की क्या था कि यहाँ वैसे हकीकत बात है, कई बुजुर्ग आदमी कहते हैं रात को भूत 5 बजे बाद में अंदर नहीं घुसने देते, पहले के लोग कहते हैं बुजुर्ग आदमी। अभी तो डेवलप हो गया, नहीं पहले खुला ही पड़ा था ना, तो 5 बजे बाद को जाता ही नहीं। आवास हो गया और विकसित हो गया, लेकिन पहले आज से 100 वर्ष पहले बहुत घना जंगल था, वास्तव में भूत थे पहले। और आज तो मतलब क्या है कि इनकी जो बनावट है, इनके कारीगर हैं राम सिंह भाई खान, जो आज वो कारीगर नहीं मिल सकते हैं, जो इनकी इमारतें बनाई गई है बहुत ही सुंदर है, पत्थरों में बनाई गई है। अच्छा, आप वो जो बता रहे थे कि अमावस्या की रात को क्या होता है, अमावस्या की रात को इनकी मीटिंग होती है, किन की मीटिंग होती है, भूतों की, जिन जो होते हैं जिन, लेकिन 5 बजे बाद में प्रवेश निषेध है, किसी को जाने नहीं देते, निषेध है, क्योंकि जंगली जानवरों का भी भय है। तो जंगली जानवर रहते हैं सर, मतलब किस टाइप के जंगली जानवर, बगेरा है, शेर है, बगेरा, शेर बगेरा, चीता है, ये सब आते हैं। तो क्यों जंगल पड़ता है घना, पहले माता उनके पैर चाटने आता था शेर, पूनम के दिन शेर हर पूनम के दिन पानी पीने आता तालाब में, वहाँ पानी की व्यवस्था है, तो चाहे कितना भी भीड़ हो लेकिन 12 बजे आके पानी पीता, तो वैसे दिन में रात को। अब इसमें और ये एक अंदर जो मंदिर है भूमिया जी का बहुत चमत्कारी का, जो अंदर में लेफ्ट साइड पे है, अंदर जाने के बाद
अरे हनुमान जी बहुत चमत्कार। वो मंदिर वहाँ पे उसी टाइम से बना हुआ है या बाद में बना? आज भी 8 किलोमीटर तक पुरानी इमारतें निकलती, अभी इतनी बसा होती मंदिर मंदिर सब निकलते हैं आज। वो मियाँ जी तो बहुत चमत्कार चमत्कार दोनों मूर्ति तो आज जो गेट में एंट्री करते हैं आपको बहुत चमत्कार मूर्ति है। क्या था कि यहाँ सारे मंदिर थे, सभी कास्टें थी, और मतलब यूँ समझो ना आप के ये जब उजड़ हुआ उसके बाद जयपुर डेवलप हुआ है, ये पक्की बात है। हाँ मेरे की सलाह देवी, जयपुर बनने का रीजन ही यहाँ से स्टार्ट है, उस अच्छा। सेवड़े के कारण हुआ। एक आदमी ने पूरा तंत्र खराब कर दिया। यहाँ पब्लिक खूब थी, यहाँ जनसंख्या आबादी खूब थी, उस समय में करीब 1000-2000 की आबादी थी यहाँ, बहुत घनी आबादी थी, और फिर इसी से जयपुर आगे बढ़ा है डेवलप हुआ जनसंख्या। शुरू में यहाँ से जनसंख्या गई थी, आज जयपुर है इसी की देन है। तो ऐसा भी कहते हैं कि इसका कुछ एक इतना एरिया है कि उसमें आज भी आदमी लोग बाग नहीं रह पाते। हाँ सही बात है। वो चीज़ अभी भी उनकी खराब, मतलब कोई कुछ भी करना चाहे वो चीज़ पूरी होती नहीं हो, कोई घर वर भी बनाए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, टूट जाते हैं वो। कितने किलोमीटर का एरिया होगा इसके आसपास का? ये है करीब 8-7 किलोमीटर पीछे की साइड, क्योंकि आगे तो हमने देखा बना हुआ है साइड में। अच्छा साइड में, पहाड़ी के पीछे का एरिया सारा? नहीं इधर लेफ्ट में। अच्छा इधर तब जाते हैं तो सीधा जाते हैं। और यहाँ भौम मियाँ जी का स्थान है, बहुत अच्छा परिचय देता है, कोई भी मनोकामना यदि मनोकामना से आदमी भी वो करता है उसकी पूर्ण करता है, इच्छा पूर्ण करता है। और यहाँ बालाजी का मंदिर राजा महाराजाओं के टाइम का ही है। तो ऐसा कभी भी हुआ कि यहाँ पे लोग बाग रात को रुके हों, मतलब कि गैर हाजिरी में, और किसी के साथ कोई हादसा हुआ? नहीं अभी तक तो कोई हादसा नहीं। रात को लगभग 1-1.5 बजे बाद में एंट्री नहीं है। नहीं नेट पे बहुत सारी ऐसी स्टोरी डली हुई है कि एक आधा बंदा रात को रुका है, उसने वीडियो बनाई है, तो ऐसा कभी हुआ कि यहाँ पे वो बंदा जिंदा नहीं बचा? नहीं। तो ये सब मतलब की अफवाहें हैं। मतलब अभी की अफवाह, आप बोल रहे 100 साल पहले ऐसा कुछ होता था, अब नहीं है, अब नहीं है, मॉडर्न टाइम में इतना चीज़ नहीं होता। 100 साल कैसे, तो बहुत पहले की बात है सर, 1100 साल पहले तक यहाँ पे भूतों का वास होता था। अब जयपुर कितना डेवलप हो गया जब ये उजड़ हुआ, तो 1100 वर्ष हो गए इस कहानी को, करीब लगभग 1100 वर्ष हो गए इसके। और यहाँ क्या था कि एक कुंड है, ऊपर से पहाड़ी से में से ऑटोमेटिक पानी आता है। हाँ देखा था पे वो हमने देखा था, इकट्ठे हो रखे हैं, हमने भी देखा पानी आता है। आज भी अब देख के, हाँ देखो ऊपर से दिखता है हरियाली, वहाँ पे अलग ही है बिल्कुल, पूरे इलाके से हटके हरियाली, छोटे से एरिया में वो खजूर के पेड़ सिर्फ वही है, और वही है बस केवड़े के पेड़ भी है। करण अर्जुन की शूटिंग भी यही हुई थी, और सबसे शूटिंग हुई थी करण अर्जुन पिक्चर की शूटिंग इसी की है। अच्छा वो भूमिया जी के मंदिर इसलिए प्रसिद्ध ज्यादा है, करण अर्जुन की यही हुई थी। अच्छा इसलिए ज्यादा आपका नाम क्या है? गणेश नारायण जी। तो ये हमारे साथ गणेश नारायण जी हैं, जिन्होंने पूरा यहाँ के भानगढ़ के बारे में पूरी स्टोरी बताई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बाग जो इंटरनेट पे वायरल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट अमावस्या के दिन ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, मतलब कि जिंद वगैरह की आपस में जस्ट लाइक एक मीटिंग होती है, तो ऐसा भाई साहब ने हमें बताया है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया। और ये चीज़ मैं आप लोगों को YouTube पे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में अलग अलग अफवाहें बनाते हैं, तो वो सब झूठ है और यही सच्चाई है। यहाँ के लोगों से मैंने पूछा है, यहाँ के काफ़ी पुराने लोग हैं, इनके दादा के टाइम से ये पूरा, उनसे मतलब कि इनको सब कुछ पता है। तो बेस्ट ऑफ लक, बाकी आप ये वीडियो देखिए, इंजॉय करिए, और नए हो तो सब्सक्राइब करो, और पुराने हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करो। बाय।